कर रहे थे फार्मा शेयरों की, कई फार्मा कंपनियों के लिए है ये थोड़ी सी बुरी खबर। अविनाश, कैसे देखते हैं आप इन खबरों पर और क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा उस लिहाज से फार्मा शेयर, क्या नेगेटिव रिएक्शन कर सकते हैं या पचा लेगी कंपनियां ये? ना आई थिंक मुझे लग रहा है कि कंपनीज जैसे एक एबॉट और वोकार्ट है, थोड़ा सा ग्लेनमार्क है, इनका जो परसेंटेज है फिक्स डोसेज का वो शायद मेरे ख्याल से 35-40% से ज़्यादा है इनके ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो हो सकता है कि क्लियरली मे बी नॉट ये क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में शायद इसका पूरा इम्पैक्ट ना आए, लेकिन FY17 में डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़े से कंट्रोल्स यू नो एडॉप्ट करती है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। आई थिंक क्लियरली जो बात हो रही थी कि पूरे स्टेट्स में ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है जबकि इनके अप्रूवल्स इनके पास नहीं होते, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो डेफिनेटली होगी। तो मेरे ख्याल से गिने चुने दो तीन कंपनीज है जहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो वीक ट्रेंड है वो शायद आपको देखने को मिले। बिल्कुल।